फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं बारात में और भैया की गाड़ी जो है वो आगे चली गई और मौसम आज बहुत ज्यादा खराब है, बारिश लगी हुई है कंटिन्यू कल से ही बारिश, जब से शादी की रस्में स्टार्ट हुई हैं तब से बारिश हो रही है और जैसी अभी बारात निकली तो बारिश और तेज हो गई है। तो हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, तो ये मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं और साथ में है प्राश्वी। प्राश्वी से दुल्हन लेके आएगा और साथ में जा रहे हैं तनु और दीदी हैं और दूसरे दीदी दूसरी गाड़ी में चले गए तो नहीं तो वो भी हमारे साथ ही जाते हैं बट वो किसी वजह से दूसरी गाड़ी में चले गए हैं। तो अभी आपसे मिलेंगे हम सीधे रास्ते में मिलेंगे अगर अच्छे व्यूज आपको हाँ अगर अच्छे व्यूज मिले और बारिश रुकी तो हम व्यूज भी दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो रोड जिस साइड हम जा रहे हैं वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे व्यू भी हैं बट बारिश की वजह से अगर बारिश नहीं रुकी तो नहीं दिखा पाएंगे और अगर बारिश रुक गई तो हम आपको सारा रास्ता भी दिखाएंगे। अभी हम आधे रास्ते में पहुंच गए हैं और अभी भी बारिश हो ही रही है और शाम का टाइम भी हो रहा है, अभी बजे हैं शाम के 5:30 और प्राश्वी जो है प्राश्वी शोई और ये यहाँ का रोड बारिश अभी इतनी जोर से पड़ी है, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है। और देखिए रास्ते में हमें एक और बारात मिली है, आजकल बहुत ज्यादा शादियां हैं इसलिए बहुत बारिशें हो रही हैं। और ये हम पहुंच गए हैं वेन्यू पे जहाँ पे भाई की शादी है, ये है बैजनाथ में और यहाँ पे पटाखे भी हो रहे हैं और यहाँ पे चल रही है मिलनी। तो हमारे हिमाचल में जो बड़े होते हैं वो पहले मिलनी करते हैं, तो यहाँ पे पापा जी और निकिता के ताया जी मिलनी कर रहे हैं। ऐसे बोलो क्या होना।
फ्रेंड्स अभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स अभी रिव्यू होगा खाने का, तो बताओ आप कैसा है खाना। मैंने तो खा लिया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। टेस्टी है ये है चने की सब्जी। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, और बहुत अच्छा अरेंजमेंट भी है, सब अच्छे से हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हमारे भैया की शादी है। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं वापस, और बारात वापस जा रही है, जो वापस जाने वाले हैं, तो हम सभी बैठ गए हैं बस में, क्योंकि बाकी लोग तो गाड़ी में आएंगे, तो हम बस में ही हैं। तो अब आपसे मिलेंगे कल मॉर्निंग में, के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।
पालन करती हुई मुझ पर विश्व रूपी बरसी अनुगामनी हो जाओ तो कन्या फिर बुलाती है कि हो में यज्ञ विभाच कन्या दाने मथे व्रते भवता दान संतहा तो कन्या कहती है बोलिया हे विश्व रूपी बर हवन यज्ञ विवाह कन्या दान और व्रत में आपके अंचल पकड़ कर आपके बोलिया बाम भाग में बैठूंगी आपके पुण्य का आधा भाग जो बोले मैं ग्रहण करूंगी पाप का नहीं भोजन आदि कर्तव्यों में जो मुझसे पाप होगा उसका आधा भाग जो बोले मैं आपको दूंगी बोलिया ये सभी आप बोलिया इस प्रकार यदि आप मेरी इन बातों को अंगीकार करते हैं तो मैं आपके बाम भाग की ओर बैठती हूँ तो कन्या सातवें वाक्य में ये कहती है तो बर कहता है बोलिया सत्य तथा प्रिय वचन बोलना क्रोध सत्य व प्रिय वचन बोलना क्रोध तथा आलस्य से रहित होकर इनके लिए रहित होकर बोले मेरे वचनों को मानना मेरे माता पिता तथा बहन का प्रेम पूर्ण सत्कार करना इन सभी गुणों के यदि आप मानती हो तो मैं अवश्य तुम्हारा पालन करूंगा बोलिया बगीचे में शराबियों के स्थान में ना जाना बिना कारण दूसरे के घर नहीं जाना पर पुरुष के साथ क्रीड़ा करना व्यर्थ गाना बजाना जो है मुझे तुम्हें सर्वदा छोड़ने पड़ेंगे गृह के भीतर सुख दुख को मेरे साथ भोगती हुई बोलिया पतिव्रत के धर्म का पालन करोगी तो मैं तुम्हारे सभी बातों तुम्हारी सभी बातों को मानूंगा बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं हो सकता अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो और मेरे बाम भाग में विराजमान होकर मेरी शोभा बढ़ाओ हरि ओम मंगलम भगवान मंगलम मंगलम मंगलाई ये सर्वहरी ओम कुशा चलो Thank you.
यार तेरा सु